हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है. हम पहले हिंदी सिनेमा थे, तो वही मैं बोला उसी में गर्व रखना चाहिए. हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है. हम पहले हिंदी सिनेमा थे, तो वही मैं बोला उसी में गर्व रखना चाहिए. हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का, वो हॉलीवुड है, तो हम बॉलीवुड क्यों बने? हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर. ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज अ हिंदी इंडस्ट्री. तो क्या था, रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट. हमें हम किसी से कम नहीं. बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं. जैसा जिंदाबाद जिंदाबाद है, था और रहेगा. बी प्राउड, कभी शर्माओ मत के तुम कौन हो. तुम ही तुम हो और कोई नहीं है. हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है. हमें पता ही नहीं हमारी कला कहाँ थी. हमारी कला है वहाँ, उनको मत देखो. वो तो आगे जा रहे हैं बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं. हम अपने आप से कोई नई चीज़ बनाए. मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का ऐसे करें, मतलब क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन. I never like to do any scene which is I've seen anywhere done. And I said that's the way it should be. जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है. And मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I'm connecting with them because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं. Yes. वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता. वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं. एंड दे गोइंग आउट एंड डूइंग इट. तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट विच वॉज देयर, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ. मैं किसी की मैं वो नहीं बुराई नहीं कर रहा, दे आर डूइंग, एवरीबडी इज टैलेंटेड, बट वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले. ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता. एंड मैं बहुत ज़्यादा बोल गया. लव यू.